कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत इस बार ग्वार कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने लगातार पिछले 4 या 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली ग्वार गम और ग्वार सीड में एक करेक्शन देखी है और काफ़ी बड़ी गिरावट हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में देख चुके हैं। 13,600 के स्तरों से लगभग 9,200 के स्तर पर हमने ग्वार गम तो को फिसलते हुए देखा है। उसी प्रकार अगर हम ग्वार सीड की भी बात करें, काफ़ी बढ़िया करेक्शन 6,700 से लेकर 5,000 तक के लेवल तक का हमने देखा है। पिछले कुछ हफ्तों से नेगेटिव साइड की एक व्यू थी, ख़ास करके 5,900 के नीचे जब ग्वार सीड प्राइसेस गई थी तब मेरा व्यू जो था वो नेगेटिव हो गया था। और उसके बाद लगभग हमारी 5,600 की एक लेवल थी जो टेस्ट हो गई थी, और उसके बाद 5,100 का जो स्तर था वो भी टेस्ट होता हुआ दिखा। पिछले 2 हफ्तों में हमने 4,800 तक के स्तरों की भी बात की थी कि वर्ष के सिनेरियो में वहाँ तक जा सकता है। एग्जैक्टली 4,800 तो नहीं, लेकिन 4,950 तक के स्तर जो है वो छूकर प्राइस में जो है एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने मिली है। ऐसा लगता है लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन हुई है, काफ़ी हद तक जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो डिस्काउंट हुए हैं, जो सप्लाई इंक्रीज़ होने की आशंका थी इस सीज़न में वो डिस्काउंट हुई है, तो यहाँ से जो इंक्रीमेंटल डाउनसाइड जिसे कहते हैं, यानी जो और गिरावट आनी है वो थोड़ी सीमित दिखती है। 4,900 से 4,800 से ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिखता। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाले कुछ हफ्तों में आने की बड़ी संभावना है। अगर हम एक बड़ा नज़रिया लें तो हमने देखा है कि मई 2020 से लगभग लगातार 2 सालों तक हमें एक तेज़ी का रुझान देखने मिला था, और उसके बाद पिछले कुछ 2 या 3 महीनों से हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो बड़ी पिक्चर के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये करेक्शन थी, एक मच नीडेड करेक्शन थी, क्योंकि ग्वार सीड के जो दाम हैं वो लगभग 3,000 से बढ़कर 7,200 तक पहुँच गए थे, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। तो एक करेक्शन है, लेकिन जो ओवरऑल रुख है वो अब भी तेज़ी का बना हुआ है, और यह हो सकता है कि इस साल का अंत होते होते हम देखेंगे कि दिसंबर तक दोबारा कहीं ना कहीं 6,000 के ऊपर के स्तरों के आसपास आके ग्वार सीड जो है वो सेटल हो सकता है। तो लंबे नज़रिए के हिसाब से एक करेक्शन के बाद दोबारा तेज़ी शुरू होने की गुंजाइश बनी हुई है। वहीं पर हमने ग्वार गम में भी देखा था कि 4,500 के स्तरों से लगभग 13,800 के स्तर देख चुके थे, और उसके बाद लगातार एक करेक्शन का रुझान हमें पिछले 2 महीनों में दिखाई दिया है। 9,000 के करीब ऐसा लगता है कि इमीडिएट एक सपोर्ट प्राइसेस को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा गिरावट इन स्तरों से मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 8,900 से 9,000 के बीच थोड़े बढ़िया सपोर्ट मैं कहूँगा नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो मांग है वो निवेश मांग हो या जेन्युइन ग्राउंड पे जो डिमांड है वो मार्केट में हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इनिशियली हमें देखने मिल सकता है, जहां पर दाम जो है वो 10,100 तक जा सकते हैं, और लंबे नज़रिए से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 8,900 के ज़्यादा नीचे दाम नहीं जाएं, और हम दोबारा 11,200 तक के स्तर भी आने वाले कुछ महीनों में देख पाएँ। अगर मैं साल के एंड की बात करूँ, यानी अगले 6 महीनों की बात करूँ, तो मुझे सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर जो लेवल है वो दोबारा 12,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखे, जहाँ तक ग्वार गम का सवाल है। एक बार जो करंट सप्लाई है वो फैक्टर हो जाती है, डिस्काउंट हो जाती है, तो उसके बाद। वहीं अगर मैं मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, तो हमने हल्दी में व्यू के हिसाब से एक गिरावट का रुझान आते हुए देखा। 7,800 के स्तर जो थे हमारे टारगेट पे, जो हमने काफ़ी हफ्तों पहले बात की थी, वो तो मार्केट ने टेस्ट किया ही है। 7,650 तक के भी स्तर मार्केट ने छुए हैं, और उसके बाद एक हल्की सी रिकवरी हमने 7,900 तक देखी है। लेकिन अब भी ऐसा मेरा मानना है कि 8,050 के नीचे जब तक प्राइजेज रहेंगी, तब तक उछाल पर बिकवाली की जा सकेगी, और ये पॉसिबल है कि हम 7,500 के स्तर भी आने वाले हफ्तों में देख पाएँ। फिलहाल हल्दी में जो डिमांड है वो इतनी सॉलिड नहीं है और सप्लाई एडिक्वेट है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी करीबन 3 से 4% की और गिरावट आने वाले 2 या 3 हफ्तों में हमें देखने मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जीरा या धनिया की बात करें, तो जीरा अब भी 20,800 से 20,700 के स्तरों को होल्ड कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग बेसिस एक या वीकली क्लोजिंग आप कहें एक लेवल है, वो 20,800 को नहीं निकाल पा रही है प्राइसेस। यहाँ पर भी एक करेक्शन का दौर
पिछले काफ़ी समय से जारी है। हमने देखा है कि अप्रैल महीने से लगभग करेक्शन जारी है और अभी 3 महीने हो चुके हैं, जहां पर जो एक इमीडिएट रेंज है वो 20,800 से 700 के लोअर रेंज और अपसाइड में 22,200 से 300 की अपर रेंज बनाकर प्राइजेस चल रही हैं। और निचले स्तरों से यहाँ बाइंग डेफिनेटली देखने मिली है, हालांकि अपसाइड जो है फिलहाल थोड़ा सीमित है या लिमिटेड है। अब मैं समझता हूँ लंबे नज़रिए के हिसाब से जब तक दाम जो है 19,400 के ऊपर बने हुए हैं, तब तक 23,500 के एक पोजिशनल व्यू के लिए बाज़ार जो है तैयारी कर रहा है। इस वजह से जो डाउनसाइड होगा वो यहाँ से लिमिटेड हो सकता है। अगर 20,800 तोड़ता भी है तो मुझे नहीं लगता कि 20,200 से ज़्यादा नीचे प्राइसेस जा पाएंगी। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो इमीडिएट तौर पर 21,800 से 900 तक की तैयारी मार्केट ने कर ली है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से बाइंग की एक स्थिति बनेगी और बहुत ज़्यादा अगर अपसाइड देखने मिले तो 22,200 तक का एक एक्सट्रीम केस अपसाइड हमें देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ 2 या 3 महीने का पर्सपेक्टिव, तो ऐसा लगता है कि बड़ा रुझान जो है वो ऊपर की तरफ है। इमीडिएट तौर पर 20,800 और 20,700 की रेंज लोअर साइड और 22,200 से 300 की रेंज अपर साइड बनी रहेगी। जब एक्सट्रीम एंड्स पे प्राइजेज मिलती हैं यानी निचले स्तरों पर प्राइज़ मिलती है तो बाइंग की जा सकती है, और उसी प्रकार फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर अगर प्राइज़ मिले 22,200 के ऊपर तो वहाँ पर एक बार बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करूँ तो धनिया में भी हमने एक ठहरा सा आते हुए देखा है, जहाँ पर 11,000 के ज़्यादा नीचे प्राइजेस नहीं जा पा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 11,700 के ऊपर भी दाम नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ये रेंज बाउंड मूव और चलेगा। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो जो इमीडिएट बायस है वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, यानी रुख ऊपर की तरफ है, लेकिन अपसाइड जो होगा वो 11,600 से 700 तक सीमित होगा, जिसके बाद हम दोबारा प्राइजेस को 11,000 की तरफ रुख करता हुआ देखेंगे। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि सोयाबीन में लगातार एक गिरावट का रुझान है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो या डोमेस्टिक मार्केट्स भी हों, दोनों जगह पे प्रेशर बना हुआ है और 6,600 के नीचे के स्तरों पे क्लोजिंग दी गई है। 7,000-7,100 एक इम्पॉर्टेंट स्तर थे, जिसके नीचे जो एक रुझान है वो मंदी की तरफ हो चुका है, और ऐसा लगता है कि हमें 6,100 से 6,200 तक भी दाम आते हुए देखेंगे आने वाले 1 महीने में। तो रुख जो है फिलहाल नीचे की तरफ है। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल में भी 1,350 के स्तर छू चुका है और वहां पर अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। जब तक 1,350 के नीचे है प्राइजेस, तब तक 1,290 से 1,285 तक के स्तर हमें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। वहीं कैस्टर में जो एक दायरे के कारोबार की हमने पहले भी बात की है, वही जारी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। 7,700 और 7,300 ये एक बड़ा दायरा है, जिसके बीच में प्राइजेस के ट्रेड करने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल अगर बहुत ही छोटी अवधि की बात करें, यानी 4 या 5 सेशन यानी 1 हफ्ते की ट्रेडिंग की बात करें, तो ऐसा लगता है 7,700 के ऊपरी स्तर को प्राइजेस छू सकती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ रुक करेंगी। एक लंबा नज़रिया अगर लिया जाए हालांकि कैस्टर में, तो ऐसा लगता है कि अब भी तेज़ी का रुख बना हुआ है। हालांकि फ़िलहाल एक पॉज पे मार्केट है या प्राइजेस ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रही हैं, लेकिन लंबे अवधि से यानी 2 या 3 महीनों की बात करूं तो ऐसा लगता है कि लगभग 8,100 का एक व्यू हमें देखने मिलेगा आने वाले 2 या 3 महीनों में, और उसके बाद एक्सट्रीम केस में 8,400 तक भी प्राइस जा सकती हैं। इसीलिए जब भी निचले स्तरों पर मिले तो एक बार बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जब भी 7,700 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग या 2 हफ्तों तक क्लोजिंग आते हुए दिखेगी, तो उसके बाद हो सकता है कि मांग अपने आप ही यानी बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से ये लेवल के ऊपर हमें जाता हुआ नहीं दिखा है और जो प्राइस है वो 8,100 की तरफ रुक कर पाए। लेकिन फिलहाल इमीडिएट तौर पर यानी 2 या 3 हफ्तों के बेसिस पे ऐसा नहीं दिखता, तो एक दायरे का कारोबार आता हुआ दिखेगा। कॉटन सीड ऑयल के की अगर बात करूँ तो जो निचला रुझान है वो दिख ही रहा है हमें। 3,000 के नीचे जब से ब्रेकडाउन दिया तब से स्लोली और स्टेडिली नीचे की तरफ प्राइसेस रुक कर रही हैं। 2,550 तक के स्तर भी देखे गए थे, हालांकि जो प्राइस ने क्लोजिंग दी है वो करीबन 2,650 की दी है। ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 2,500-2,450 तक का फॉल हमें देखने मिल सकता है, तो कुछ समय और जो गिरावट है वो बनी रहेगी। अपसाइड में 2,750 के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं निकल पाती, तब तक सेल ऑन रैलीज की एक रणनीति बना के चला जा सकता है। वहीं M6 कॉटन में हमने
पिछले महीने में काफ़ी उठा पटक देखी, जहां पर 44,000 के नीचे एक बार प्राइस फिसल गई थी, उसके बाद क्लोजिंग आते आते हमने 52,000 तक के भी लेवल आते हुए देखे। हालांकि जो रोल ओवर हमने देखा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, वो करीबन 7 या 8 हज़ार रुपये नीचे आता हुआ दिखा है। इसका मतलब कि बाज़ार ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि आगे आने वाले महीनों में, एटलीस्ट 1 या 2 महीनों में जो तेज़ी है वो बनी रहेगी। एक करेक्शन की संभावना बनी हुई है। 44,000 के जो स्तर थे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में टूट चुके हैं, तो ऐसा लगता है बाज़ार फिलहाल 38,000 से 38,500 की तरफ कर रहा है। इमीडिएट तौर पर 40,400 का एक लेवल लेके चला जा सकता है। वॉलेटिलिटी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी, ज़्यादा उठा पटक हमें देखने मिलेगी, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस यानी आने वाले 1 महीने का अगर मैं व्यू की डिस्कस करूँ तो 38,500 का एक व्यू लिया जा सकता है। एक हफ्ते के बेसिस पे 40,400 का एक स्तर देखने मिलेगा। वहीं पर मेंथा ऑयल में हमने देखा है कि 1,000 के नीचे के स्तर देखे गए थे, लेकिन फिलहाल प्राइस जो है उसे होल्ड कर पा रही हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस 1,040 से 45 के स्तर देखने मिल सकते हैं, यानी करंट लेवल से एक बार एक्यूमुलेट करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अपसाइड में 1,045 तक के स्तर, जैसे मैंने बात की अभी, वो देखने मिलेंगे, और अगर उसके ऊपर प्राइजेस चलती हैं तो 1,070 तक भी फ़िलहाल जो प्राइस है वो जा सकती हैं। तो फिलहाल तेज़ी की संभावना है, 990 से 1,000 के 1,000 के बीच में एक सपोर्ट एरिया बनी हुई है। जब तक वो प्राइसेस होल्ड कर पा रही हैं तब तक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 1,045 और 1,070 तक देखने मिल सकता है मेंथा ऑयल में। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं आने वाले कुछ दिनों और लॉन्गर टर्म बेसिस क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।